हेलो स्टूडेंट वेलकम टू संदीपणी एजुकेशनल एकेडमी टुडे वी लर्न क्लास दर कंप्यूटर वी कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर नाइन इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो विंडो है वो ओपन कैसे करते हैं और वो किसकी तरह है वो वर्ड पैड की तरह है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था देखिए नेक्स्ट एमएस वर्ड विंडो स्क्रीन विंडो स्क्रीन के बारे में हम देखेंगे क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट अगर करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा स्टेप टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट स्टेप्स दी गई है ओपन एम एस वर्ड सबसे पहले एम एस वर्ड ओपन करना है जैसे कि ऊपर हमने स्टेप फॉलो की थी एम एस वर्ड ओपन करने के लिए क्लिक ऑन ऑफिस बटन वहाँ पर जो ऑफिस बटन होता है ऊपर उस पर क्लिक करना है देन क्लिक द न्यू ऑप्शन वहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे वहाँ से आपको ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है न्यू ऑप्शन सिलेक्ट करना है द न्यू डायलॉग बॉक्स अपियर एज शोन बिलो जैसे आपको देखिए यहाँ पर बताया गया है वैसे न्यू ऑप्शन डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जो लास्ट पेज पे हमने देखा था देखिए इस तरह से सिलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट वहाँ से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है क्लिक ओके okay. उसके बाद वहाँ पे ओके okay का बटन आपने प्रेस करना है और न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेल इस तरह से आपके सामने न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगी टाइपिंग टेक्स आप इसमें टाइप टेक्स टेक्स टाइप कर सकते हो टाइप द लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी पैक्ड फॉर स्कूल पिकनिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है इसमें आपने किसकी लिस्ट बनानी है जो आप पिकनिक पे जो स्कूल पिकनिक पे जो जो चीज़ें साथ में लेके जाने वाले हो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है करेक्टिंग मिस्टेक्स इन द अबाउ पैराग्राफ यूजिंग द करजर एरो की देखिए बैक स्पेस एंड डिलीट की आपको क्या करना है जो उन्होंने मिस्टेक्स बताई थी उस वही लिस्ट लिखनी है और उसमें जो जो मिस्टेक है उसे करेक्ट करना है किसके इस्तेमाल से एरो की और डिलेट और बैक स्पेस की जो है उसकी हेल्प से आपको वो स्पेलिंग मिस्टेक सारी करेक्ट करनी है लेटर्स अंडरस्टैंड देम इन डिटेल डिटेल में हम देखेंगे कि किस तरह से करनी है प्लेस द कर्सर आफ्टर द लेटर ए एंड एड अनादर लेटर सी देखिए आपको क्या करना है आपका कर्सर जो है एरो की के हेल्प से यहाँ लाना है ए के आगे कि ए के पीछे यहाँ पे के के आगे आपको फर्स्ट में लाना है ए और के के बीच में आपका कर्सर चाहिए और वहाँ पे क्या करना है सी प्रेस करना है तो देखिए इस तरह से आपकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट हो जाएगी नाउ द सेंटेंस रीड रीड सेल देखिए पैकेट की जो स्पेलिंग है उसमें सी नहीं था तो हमने उसमें सी एड कर दिया तो ये स्पेलिंग जो है राइट होगी देखिए नेक्स्ट जो है देखिए थ्री बार्स जो था थ्री में हमारा ई छूट गया तो वो किस तरह से ऐड करोगे प्लेस द कर्सर आफ्टर द लेटर ई ई के बाद हमारा कर्सर लाना है एरोकी की हेल्प से एंड ऐड अनादर ई अनादर लेटर ई और उसमें ई लेटर ऐड करना है द करेक्ट सेंटेंस एपेयर सैज शोन बिलो देखिए करेक्ट सेंटेंस जो है आपको नेक्स्ट फिगर में बताया गया है उस तरह से थ्री हो जाएगा जो स्पेलिंग इनकरेक्ट थी नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कहाँ पे मिस्टेक थी फोर नंबर के सेंटेंस में मिस्टेक थी र्लेस द कर्सर बिफोर द सेकंड लेटर सी एंड प्रेस द बैक स्पेस की देखिए बैक स्पेस की आपको बिफोर सी जो है पहला सी सेकेंड सी जो है सेकंड सी के आगे आपको लेके जाना है कर्सर को और बैक स्पेस की को प्रेस करना है तो एक्स्ट्रा सी जो है वो डिलेट हो जाएगा इस तरह से आपके सामने हो जाएगा अ ब्ल्यू कैप द करेक्ट स्टेटमेंट्स सेंटेंस शोन बिलो इस तरह से सेंटेंस आपको दिखाई देगा दिखा। नेक्स्ट था सिक्स नंबर में इन uh, करेक्ट था प्लेस द कर्सर आफ्टर द लेटर ई एंड इंसर्ट वन मोर ई एंड डिलेट द लेटर एस देखिए क्या करना है आपको कर्सर को कहाँ ले जाना है आफ्टर ई ई के बाद कर्सर लेके ले के जाना है और वहाँ पे ई e प्रेस करना है ई e इंसर्ट करना है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा एस है वहाँ पे लेके जाके डिलीट की करना है और एक्स्ट्रा एस को डिलीट कर देना है तो आपका जो करेक्शन है उस तरह से दिखेगा नेक्स्ट सेवन नंबर में मिस्टेक थी देखिए प्लेस द कर्सर आफ्टर द लेटर पी पी के बाद आपको लेटर को कर्सर लेके जाना है इंसर्ट द लेटर ए देखिए और वहाँ पे क्या इंसर्ट करना है ए लेटर इंसर्ट करना है तो वहाँ पे आपका स्पेलिंग हो जाएगा पेपर नेक्स्ट है द करेक्ट टेंटेंस शोन बिलो इस तरह से आपका पेपर प्लेट्स स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगा सेविंग अ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सेव कैसे करना है जैसे हमने वर्ड पैड में देखा था उसी तरह से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेव करने हैं स्टेप टू सेव अ डॉक्यूमेंट स्टेप आपको यहाँ बताई गई है क्लिक ऑन ऑफिस बटन देखिए ये ऑफिस बटन पर आपको क्लिक करना है जैसे आपने वर्ड पैड में किया था आपके सामने ये देखिए ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे क्लिक द सेव एज ऑप्शन टू सेव एज बॉक्स अपीयर देखिए सेव एज ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो सेव एज बॉक्स आपके सामने इस तरह से दिखाई देगा सिलेक्ट द लोकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्क टॉप फ्रॉम द सेव इन ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स देखिए आपको जहाँ पे ये इमेज सेव करनी है जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट सेव करना है वहाँ प्लेस आपको सिलेक्ट करनी है जैसे कि यहाँ पे किया गया डेस्कटॉप पे सेव करना है देन आपके सामने डेस्कटॉप पे जितने जितने सेव है डॉक्यूमेंट वो आ जाएंगे डेस्कटॉप में आपको न्यू फोल्डर बना सकते हो या डायरेक्टली यहाँ पे सेव कर सकते हो उसके बाद फाइल नेम आपको देना है यहाँ पे फाइल नेम आप दोगे और सेव कर दोगे देखिए टाइप द नेम ऑफ द फाइल फॉर एग्जाम्पल माई पिकनिक शॉपिंग लिस्ट देखिए इन द बॉक्स इन द टेक्स बॉक्स प्रोवाइड बिसाइड फाइल नेम देखिए जहाँ पर फाइल नेम बताया गया है वहाँ पर आपको टाइप करना है माए पिकनिक शॉपिंग लिस्ट और उसके बाद करना है क्लिक द सेव बटन सेव बटन पर क्लिक करना है तो आपकी जो फाइल है आपका जो डॉक्यूमेंट है उस नाम से डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा लेट्स वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज अ वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसर क्या है तो वर्ड प्रोसेसर क्या है अ वर्ड प्रोसेसर इज अ मोस्ट कॉमन कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज टू क्रिएट एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट वर्ड पैड नोट पैड एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर ऑल वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन प्रोग्राम वर्ड प्रोसेसर जो है एक मोस्ट कॉमन कंप्यूटर एप्लीकेशन है और उसमें देखिए जो है नोट पैड वर्ड पैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये सारे वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन प्रोग्राम है तो आपका फर्स्ट आंसर है यहाँ से अप वर्ड प्रोसेसर से लेकर एप्लीकेशन प्रोग्राम तक फर्स्ट का आंसर है सेकंड क्वेश्चन है राइट द एडवांटेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ओवर टाइपिंग और राइट राइटिंग ऑन पेपर आपको एडवांटेज बताने हैं वर्ड प्रोसेसर के टाइपिंग और री राइटिंग के लिए देखिए आपका आंसर नंबर टू है एडवांटेज ऑफ वर्ड प्रोसेसर वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वर्ड प्रोसेसर प्रोसेसिंग ओवर यूजिंग अ टाइप राइटर इज दैट यू कैन मेक चेंजेस विदाउट रिटाइपिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट फर्स्ट है इट हेल्प टू प्रोड्यूस नीट एंड वेल प्रजेंटेड टाइप डॉक्यूमेंट्स यू नीड नॉट रीटाइप द कंटेंट इफ़ यू मेक मिस्टेक्स यू कैन करेक्ट ऑल योर मिस्टेक बाई इंसर्टिंग डिलीटिंग और मूविंग कैरेक्टर देखिए एडवांटेजेस क्या हैं इसमें आपको रीटाइप करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपसे मिस्टेक हो गई है और नीट और अच्छा दिखता है इसमें टाइप किया हुआ नीट एंड क्लीन उसके बाद अगर कोई भी मिस्टेक है आप तो इसमें इंसर्टिंग डिलीटिंग और मूविंग ऑप्शन इस्तेमाल करके इसमें चेंजेस कर सकते हो तो आपका आंसर नंबर टू है एडवांटेज से लेकर ये जो थ्री पॉइंट है थर्ड पॉइंट तक नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप टू ओपन एम एस वर्ड एम एस वर्ड ओपन कैसे करेंगे उसकी आपको स्टेप लिखनी है देखिए एम एस वर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहले जाना होगा स्टार्ट बटन स्टार्ट बटन से ऑल प्रोग्राम वहाँ से सिलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ़्टॉपिक देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करना है तो आपका आंसर नंबर थ्री है स्टेप टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से लेकर ये जो फोर पॉइंट्स है वो फोर पॉइंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ यूर प्रोग्राम विच आर विंडोज़ बेस्ड विंडोज़ बेस्ड कौन से कौन से प्रोग्राम हैं उनके आपको नाम लिखने हैं देखिए तो विंडोज़ बेस्ड प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं आप लिख सकते हो वर्ड पैड नोट पैड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये सारे जो है विंडोज़ बेस्ड प्रोग्राम है जो आपको और एक्स्ट्रा पता है तो वो भी आप लिख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप टू सेव अ डॉक्यूमेंट यूजिंग एम एस वर्ड एम एस वर्ड यूज़ करके आप डॉक्यूमेंट को सेव कैसे कर सकते हो देखिए आपका आंसर जो है आंसर नंबर फाइव सेव स्टेप टू सेव अ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सेव कैसे करोगे फर्स्ट ऑफिस बटन पे जाना है सेव एज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है सेव एज ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपके सामने बॉक्स ओपन हो जाएगा और लोकेशन सिलेक्ट करनी है कहाँ सेव करना है देन आपको उसका नाम देना है नेम देना है एक फाइल को और सेव बटन पे जो कि यहाँ होता है यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका आंसर नंबर फाइव है स्टेप से लेकर जो स्टेप फाइ आपको दी गई है वो आपका है आंसर नंबर फाइव यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर नाइन ख़त्म होता है आपको होमवर्क है कि जो भी क्वेश्चन नंबर आंसर मैंने करवाए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं लेट्स वी स्टार्ट आवर स्किलट स्किल शीट में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर नाइन इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग देखिए आपको यहाँ पे लैब एक्टिविटी दी गई है टाइप द सेंटेंस एंड एडिट देम एस शोन देखिए आपको ये स्टेट जो सेंटेंस है वो टाइप करने हैं और जैसे एडिट करने के लिए बोला गया है उस तरह से उसमें चेंजेस लाने हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वॉल्स आर द बेस्ट हंटर इन सी उसकी जगह वॉल्स की जगह शार्प करना है तो ये जो है आपने करके देखना है पहले सेंटेंस लिखने हैं और उसमें एडिट करना है इस तरह से जो चेंजेस बोले गए हैं वैसे नेक्स्ट टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस एज इट इज एंड देन करेक्ट द मिस्टेक्स यूजिंग द डिफरेंट कीज़ ऑन द कीबोर्ड सबसे पहले आपको ये जो सेंटेंस दिए गए हैं वो टाइप करने हैं और, और जिसमें मिस्टेक्स है कुछ तो वो मिस्टेक चेंज करनी है देखिए आप यहाँ पे डबल एन है तो इसे डिलीट करना है या बैक स्पेस का इस्तेमाल करना है यहाँ पे देखिए टीथ के स्पेलिंग में ई ज़्यादा है देन विंग एम एन की जगह एम लिखा है तो इसी तरह से आपने मिस्टेक कहाँ है कौन से स्पेलिंग में है वो चेक करनी है आप जैसे जैसे टाइप करोगे ना आपके जहाँ मिस्टेक होगी ना अपने वर्ड में एम एस वर्ड में रेड लाइन वहाँ पे खींची होगी रेड लाइन अगर आती है तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है अगर ग्रीन लाइन वर्ड के नीचे आती है तो आपकी ग्रामर मिस्टेक है ये हमेशा याद रखना है तो वो आसान हो जाता है आपको मिस्टेक खुद की ढूंढने में नेक्स्ट है टाइप प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए आपने ये सारा टाइप करना है और उसमें भी चेंजेस करने हैं तो ये जो है आपको होमवर्क है अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो ये एक्टिविटी आपने करके देखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन uh, है फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट है अ वर्ड प्रोसेसिंग इज़ द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज टू क्रिएट एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट जो वर्ड प्रोसेसिंग है एक बहुत मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है जो एडिट क्रिएट और प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बी है एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन प्रोग्राम एम एस वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन प्रोग्राम है नेक्स्ट सी है बैक स्पेस एंड डिलेट कीज़ आर यूज टू डिलेट अ लेटर और वर्ड वर्ड और लेटर डिलीट करने के लिए बैक स्पेस या डिलेट की का इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट है ऑफिस बटन सेव एज ऑप्शन इज यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट ऑफिस बटन पर जा सेव एज ऑप्शन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो सेव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है लेबल द ऑफ एम एस वर्ड विंडो एम एस वर्ड विंडो के जो पार्ट्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं उन्हें लेबल करना है उनके नाम लिखने जैसे कि मैंने कुछ दिए गए हैं और बाकी आपको खुद से लिखने हैं जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये कॉर्नर में जो होता है वो उसे कहा जाता है ऑफिस बटन ओके सबसे ऊपर जो होता है उसे वहाँ पर टाइटल होता है जो हम वर्क कर रहे हैं जो पेज पर पे, उसका टाइटल यहाँ पर होता है उसे कहा जाता है टाइटल बार देखिए मैं आपको इसमें बताती हूँ ये होता है मैग्जीमाइज देन ये है रिबन ये जो है रूलर है इस तरह से क्या है ये वर्टिकल हॉरिजेंटल स्क्रोल बार क्या है जो आपको लिखना है देने ये डॉक्यूमेंट्स कैसे ओपन करते हैं कहाँ पे होता है ये टास्क बार देखिए ये वर्किंग एरिया और ये है रूलर तो इसी तरह से आपने कंप्लीट करना है आपको होमवर्क है कि जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है आपको क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू स्किल शीट में कंप्लीट करना है और स्किल शीट में कंप्लीट करने के बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर वन है वो नोटबुक में लिखना है थैंक यू